मतलब बहुत देर से फोटो शूट कर रहा है। एरा भाई आयरन ब्रिज का नजारा जबर, चलो भाई चलो चलो, हमको भाई टहलने के लिए बोल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब, तो शायद आप लोग ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। और ईद के बाद से एक भी व्लॉग नहीं आया है, सिर्फ मिनी व्लॉग आया है, और क्योंकि बारिश के चलते व्लॉग नहीं आ पाया था, इसलिए भाई सॉरी सॉरी गाइस। दो दिन बारिश होने के कारण पानी देख रहे हो भाई, मतलब पूरा सबको डूब गया ऐसा लग रहा है। तो चलो भाई आगे, भाई मंगलसूर भाईजान है ठीक है, तो आगे चलते हैं, उसके साथ मिलते हैं। सोच रहे कि झिंगीपुर जाएंगे, इससे पहले अपना राइड करते करते झिंगीपुर तो नहीं गए हैं, बट आज का जो ब्लॉग है बहुत मजा आने वाला है। बाय द वे कुछ दिन से प्लान बन रहा है कि झिंगीपुर जाएंगे, लेकिन देखो अकेले अगर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हीरो भी तो आजकल काम में बिजी है, आज भी जैसे मैं अकेले ही आया हूँ हीरो। तो गाइस जल्दी से जल्दी भाई फेसबुक पेज में 5K तक पहुँच रहा, सिर्फ 600 फॉलोअर की ज़रूरत है, 600। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो वही फॉलो कर लेना भाई साहब। सो फाइनली गाइस अभी मंगलसूर भाईजान अभी यहाँ पे आ चुका है, और कैसे हो बताओ? अच्छा हो आप? तुम कैसे हो भाई? अच्छा। तो चलो भाई अब जाएंगे, भाई कहाँ जा रहे हैं भाई? हम आप जाएंगे घूमने। कहाँ? झिंगीपुर। झिंगीपुर। अच्छा चलो ठीक है, तो भाई चलो। मेरा बाइक मैंने यहाँ पे लाया था, लेकिन अपना उसका दोस्त के घर में रख दिया हूँ क्योंकि वो अकेले जा रहा है, तो मैंने चलो एक ही बाइक में चलते हैं। तुम राइड करो इसको। हम राइड करेंगे ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई ये देखो भाई मंगलसूर भाईजान, इसका बाइक में चैनल का नाम लिखा हुआ है, तो चलो। मेरा उतना हाथ बैठा नहीं इस बाइक का ना, इसलिए उतना थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, इसलिए मैं इधर उधर मैं कर नहीं सकता, दूसरे का बाइक है भाई, इसलिए मैं और भी ज़्यादा करने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। ये वाला बाइक में बैठ कर ना खुद को राइडर जैसा फील होता है, लेकिन डर लग रहा है। अच्छा मुझे डर तो लगेगा जब तुम चलाओगे ना, तो हमको डर लगेगा ठीक है। ठीक है अरे देखो बंदा किस करा कितना मुस्कुरा, इतना टर्निंग कर रहा भाई साहब। कितना ध्यान देंगे वो बंदा ना, इसके ऊपर से बाइक लेकर चला गया। तो बंदा कैसे, अरे भाई ये बंदा खड़ा होके क्या कर रहा है? अरे ये बंदा भी मुगलसर भाई जैसा ही है। ए बंदे को देखो पूरा हाथ फुर के चल जा रहा है। अरे अरे भाई ऐसा मत करो भाई, थोड़ा बहुत ऐसे नहीं कि वह डर है नहीं, भगा नहीं सकते, लेकिन स्टैंड में अगर जब मारना नहीं आता सीखेंगे इस जगह पे तो ऊपर चल जाएंगे डायरेक्टली। भाई देखो भाई नजारा भाई साहब, तो भैया बार बार रुक क्यों रहा है? और भी बहुत सारे बंदे आने वाला था बट पता नहीं किस लिए नहीं आया। खुली मार रहा है क्या? आगे दिखाओ आगे भाई, रुक जा। दोनों ही होली मारने की कोशिश कर रहे भाई, हमको उठना ठोक दो भाई, पकड़ के रहना भाई पीछे वाला तो। अरे 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 हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है ठीक चलेगा। हम कैसे सिखा देना भाई? हाँ हमको सिखा देना, हम सिखा देंगे। हाँ चलो भाई फुल पिकअप में भगाते हैं। अब तभी हम लोग को जाना है भाई आयरन ब्रिज ठीक है, वहाँ पे फोटो शूट वगैरह करना है। मुगलसूर भाई कैमरा वगैरह सब कुछ लाया है, और मिल गया भाई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, मुगलसूर भाई के पास सब कुछ है, मतलब मैं राइड तो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पकड़ेगा भाई, उनका थोड़ी लाइसेंस देखेगा। अरे भाई बंदा तो बहुत तेज जा रहा भाई, क्या हुआ ये कौन सा ये है भाई? टावर जा रहा है का टावर? अरे इनका तो पिकअप बहुत ही ज्यादा है ऐसा लग रहा है, इसी जिसके बीच में कैसे निकालेंगे भाई? निकाल दे भाई, निकलने में डर लग रहा है, दोनों बाइक मतलब दोनों बड़ा बड़ा गाड़ी बीच में से निकलना ही डर लग रहा है हमको, बस निकलेंगे तो देखने में मजा आएगा आप लोगों को ना। चलो वही कर लेते हैं, वो सीट नहीं कर पाए सॉरी गाइस। इनेज भाई तो इनेज जैसे थोड़ी ना है, मतलब आप गड्ढा वड्ढा है, अभी तो रेस लग गया भाई उनके साथ। जा ही नहीं रहा, तो जा ही नहीं रहा है हमको, भगाओ
मेरे से भाई भागता नहीं है कि भाई का पिकअप नहीं है भाई, ये बात हमको आज तक समझ में नहीं आया। आ गया। नजारा ले लेते भाई आयरन ब्रिज का, ये रहा भाई आयरन ब्रिज का नजारा जबरदस्त भाई। इससे पहले आप लोग को आयरन ब्रिज का नजारा मैं दिखा नहीं पाया हूँ जी, बहुत दिनों के बाद आ रहे आयरन ब्रिज। इससे पहले 2-3 साल पहले आए थे फोटोशूट करने के लिए और आज यहाँ पे फोटोशूट वगैरह करेंगे। चलो ऊपर बाइक को लगा देते हैं जी नितिन सर। चलो DSLR लाए हैं, निकालो जल्दी निकालो। हम तो निकालेंगे। कब निकालेंगे हम? वो कौन सा ब्रिज बन रहा है भाई? नहीं तो हम नहीं देखा। दूसरा आयरन ब्रिज बन रहा है क्या? वो मैंने लेके भाग गया। तो गाइस अभी यहाँ पे आए थे फोटो शूट करने के लिए और फोटो शूट वगैरह हो गया है, अभी आगे जाएंगे। एक कैफे है आगे और देखो भाई ये भाई फोटो शूट कर रहा है, मतलब बहुत देर से फोटो शूट कर रहा है। देखो भाई पुलिस अंकल क्या बोल रहा है, या मतलब सबको मना कर रहा है फोटो खींचने के लिए। भाई हम लोग कैमरा लाए थे तो फोटो वगैरह खींचे क्या खींचे, क्योंकि अरे फोटो खींचना सबको खींचता है भाई, हम लोग भी खींच सकते हैं ना। और मुकलसर भाई जी अपना रील्स लेके बिजी है, अभी रील्स अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम में। अभी जी ठीक। और बाय द वे बहुत लेट हो गए यहाँ पे, हम लोग सोचे कि यहाँ पे आधा घंटा फोटो खींचेंगे बट यहाँ पे 1.5 घंटा बीत गया है। हुआ चलो भाई भगाते हैं अपना भर्सन फोड़ को और मजा लो भाई आप लोग। हम तो भाई इधर से ट्रेन भी आ रहा है तो और भी मजा लग रहा है भाई, क्योंकि पक्का देखेगा, देखो रिएक्शन देखो भाई। अरे अच्छे से पकड़ना मुकलेश्वर भाई, अभी डायरेक्टली जाएंगे जिंगीपुर से थोड़ा आगे, वहाँ पे एक नया कैफे खोला है, वहाँ पे जाएंगे कैफ मतलब कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए बस और क्या। और शाम भी होने ही वाला है, मतलब चलो भाई चलो चलो, हमको भाई टहलने के लिए बोल रहा है, ही बंदा टहल पाएगा। ए रहा भाई सर, मतलब फोटो खींचने के लिए बेताब है भाई। अंदर आने के बाद ना मतलब सीट नहीं मिल रही है, कुछ देर पहले तो हम लोग को बैठने की जगह नहीं मिल रहा था और अब मिला है तो लाइट जरा सा भी नहीं है, मतलब फेस काला काला दिख रहा है। तो गाइस अभी कॉफी वगैरह पीने के बाद अभी यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन आने का है फोटो शूट करना, ठीक है। यहाँ का जो लोकेशन है ना भाई एकदम जबरदस्त, आप लोग तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड आई होप कि ये वाला ब्लॉग आपको देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और तब तक के लिए आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, ठीक है बाय।